जौनपुर के मछली शहर में 20 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के संभावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन सभा स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान मंच बनाने और हेलीपैड के लिए स्थान को चिन्हित करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से 1500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। देखिए 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी और मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे नितिन गडकरी जी का यहाँ पे कार्यक्रम लगा हुआ है, उसमें विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम है। इसमें जिसमें विकास की जितनी भी योजनाएं हैं जनपद जौनपुर की एवं इसके साथ जो नेशनल हाईवेज का जो कार्यक्रम है वो भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम होगा, यहीं फौजदार इंटर कॉलेज में कार्यक्रम होगा। और इसी की तैयारियों व्यवस्थाओं को देखने के लिए हम और सीआरओ साहब यहाँ और बस इतना ही कहना है। जितने बीजेपी अवध क्षेत्र के मंत्री के चाचा मोहनलालगंज के गोपाल खेड़ा निवासी मुकेश सिंह का शव हरकंच गड़ी के पास आउटर रिंग रोड के किनारे पड़ा मिला। मृतक के गले में निशान मिले हैं। घर वालों ने अगवा कर हत्या किए जाने की बात कही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मुकेश गुरुवार रात से ही लापता थे और उनकी बाइक गोपाल खेड़ा पुल पर पड़ी मिली थी। कानपुर देहात में उस समय सनसनी फैल गई जब एक अज्ञात युवक का शव हाईवे के किनारे पड़ा मिला। युवक का शव मिलने से जहां इलाके में सनसनी फैल गई वहीं पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। लोगों ने युवक की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। वहीं युवक का शव मिलने की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जाँच शुरू कर दी है। थाना सिकंदराबाद के राजधान चौकी क्षेत्र में हाईवे के किनारे एक डेड बॉडी की सूचना मिली। इस संबंध में जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची है लगभग 9:30 बजे की सूचना है। इस दौरान यहां मौके पर डेड बॉडी बरामद हुई है। उसके सिर में गंभीर चोटें हैं और धारदार हथियार से प्रहार किया गया है जिसमें सिर में और चेहरे पर गंभीर चोट है और खून के निशान यहाँ मौके पर दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में अभी तहकीकात की जा रही है लेकिन डेड बॉडी का शनाख्त नहीं हो पाई है। पिछले कुछ दिनों से बस्ती में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में कहीं ना कहीं नाकाम दिख रही है। पूरा मामला बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र का है जहां एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि प्राइमा फेसी में पुलिस ने इसे सड़क हादसा बताया लेकिन वहीं परिजन इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं और उनका कहना है कि हत्या की गई है। परिजनों ने बताया कि कल रात सुनील यादव अपने घर से किसी काम से निकला था। काफी समय से वापस न लौटने पर जब उनका छोटा भाई उनकी तलाश में निकला तो सुनील छोटे भाई ने देखा कि सुनील का शव सिसई गांव के पास गन्ने के खेत में पड़ा मिला जहाँ उनके ऊपर बाइक गिरी हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। दवा लेकर आए तो उन्होंने कहा जब दवा लेकर आए थे तो वही ले होते क्यों आपने आया, तो उनको शक हो गया कि ये जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि बच्चे बताए चाचा जी बताए सुनील भैया पहुंचे नहीं घर पहुंचे। मैंने कहा घर तो नहीं पहुंचा। फिर घर गए, घर से भी मोबाइल उनके लगा रहे, मोबाइल स्विच ऑफ मिली। उसको उन्होंने कहा था पता लगाए तो फिर हम लोगों ने ये तो उसी रास्ते में दवा दे करके जब पहुंचे तो उन्होंने मोटरसाइकिल देखा तो उन्होंने मोटरसाइकिल को माई को पहचाना। हम आज देखे कि गाड़ी के तो के खेत में पानी था उसमें पड़ा था। हम कहे कहते हैं गाड़ी मेरी है तो भैया भैया बुलाने लगे। उसके बाद वो सब 5 लोग थे उसके बाद दोनों 5 कह रहे तुम्हारे भाई को मार रहे हैं। हम उनके खुले कूद गए उसके खुले में जाए तो पास में एक लोडा था। उसके बाद हम दोनों कूद के बाद सब आ गए सब भाग। बस्ती के हरैया थाना क्षेत्र में एसओजी और पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इसी के साथ पुलिस ने 315 बोर के तैयार तमंचे, 3
अर्ध निर्मित 12 बोर के तमंचे, 6 अवैध कारतूस, हथियार बनाने के सामान और बाइक भी बरामद की है। इस अवैध हथियार फैक्ट्री को अरैया थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर राम शंकर चला रहा था। राम शंकर पर पहले से ही 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और वो कई बार गुंडा एक्ट, NDPS, आर्म्स एक्ट में जेल भी जा चुका है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कि वो स्थानीय का हिस्ट्री शीटर है, उससे जब गहराई से पूछताछ की गई तो एक शस्त्र की फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसमें 6 निर्मित तमंचे, 3 अर्ध निर्मित तमंचे, जिसमें 315 बोर के हैं, 3 अदद 12 बोर की नाल और शस्त्र बनाने के उपकरण, 6 अदद कारतूस और 1 अपाची मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में आशा कार्यकर्त्रियों का कार्य बहिष्कार जारी है। ऐसे में राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी आशा कार्यकर्त्रियों ने प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया। आशा वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने समेत 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा वर्कर्स का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी है। ऐसे में आशा वर्कर्स ने जल्द मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के बैनर तले मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया गया। आशा कार्यकर्त्रियों ने कहा कि आशा वर्कर्स लंबे समय से काम के बदले मानदेय फिक्स करने की मांग को लेकर संघर्षरत हैं, लेकिन उनकी मांग को अनसुना किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ को CCTNS और ICJS में बेहतर क्रियान्वयन के लिए इनाम मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, NCRB, नई दिल्ली की तरफ से CCTNS और ICJS पर 2 दिवसीय ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ICJS योजना के अंतर्गत फॉरेंसिक में बेहतर क्रियान्वयन के लिए पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य को दूसरा स्थान देते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई। वहीं पहले नंबर पर उड़ीसा और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश सरकार को पुरस्कार दिया गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला अलीगढ़ के थाना कवारसी क्षेत्र का है, जहां पर तमंचे की नोक पर शातिर बदमाशों ने बियर की दुकान पर दिन दहाड़े 47,000 की लूट को अंजाम दिया है। वहीं इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बियर की दुकान पर बदमाश बियर लेने पहुंचे थे, इसी दौरान उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।